जनपद श्रावस्ती गिलौला ब्लॉक के बेतवनी गांव में सफाई कर्मी तो नियुक्त है, परंतु गांव के नियमित साफ सफाई न होने के कारण वहां के अवधेश कुमार सहित 200 परिवार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको सर बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए कि चोर सांगड़ा सब गांव में घोर गड्ढा, नाली नक्कड़, कोई भी काम के लिए नहीं है। सफाई कर्मी आता है तो साफ भी नहीं करता, पल्सर से आता है फिर तुरंत चला जाता है प्रधान के चाय पी कर। कोई बोलता है नहीं, बर उनको डांट देता है, कहता मैं प्रधान के जरिए से काम करूंगा, तुम्हारे सबके जरिए से काम कुछ भी नहीं करूंगा। गांव की नालियां कोई कोई लोग अपने मुहारे का साफ करते हैं, उसको बहाने के लिए ठेलिया ये प्रधान किसी को मांगे नहीं देता है, अपने घर पे रखे रहता है। प्रधान से बहुत चक्कर कहा कि सर इसका साफ करा दो, हमारे घर के मुहारे नाली बनवाते बनवाते उसकी पूरी 5-6 साल बीत गए जाने वाले हैं, लेकिन नाली नहीं बनवाई, इसलिए मैंने महारा का पानी भी रोक दिया है। और इस रास्ते पे निकलने के लिए कितने लोगों की परेशानियां हो रही है? कम से कम 200-250 आदमी साहब। इसके बीमारी के बहुत तगड़ी बीमारी के बात है, साफ सफाई रहना चाहिए, गाँव का स्वच्छ हो जाए। कितने दिन हो गए आपके यहाँ साफ सफाई कर्मी नहीं आए? सफाई कर्मी साहब आवत है तो गांव बहिरन से लौट जाते हैं, मोटरसाइकिलिस्ट राजा बन बन आवत हैं, और जरूरत है कि गांव से मतलब नहीं है, केवल प्रधान से ही मतलब है। सर मैं चाहता यही हूं कि जो है पूरे गांव का साफ सफाई होना चाहिए, वह लोग जो है जितनी जनता है वो शुद्ध रहे। कभी आपने इस बात को किसी से कहा है? जी मैंने बहुत बार प्रधान जी से भी मैंने कहा, प्रधान जी ने कहा कि भाई मैं कह दूंगा, जरूरी जो है। सफाई कर्मी आता है यहाँ? सफाई कर्मी सर आता है जो है, लेकिन जो है समुदाय केंद्र के उसी पास प्रधान जी के पास घर है, मकान है, उसी जगह से लौट जाता है। समुदाय चाहती है कि गांव की नियमित साफ सफाई हो, ताकि वहां के अवधेश कुमार सहित 200 परिवार के समस्याएं दूर हो सके। मैं सभी वीडियो देखने वालों से अनुरोध करता हूं कि ये गिलौला ब्लॉक वीडियो का नंबर है 94-54-46-48-56 पर कॉल करके दबाव बनाए और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ड के लिए।